नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने मासिक राशिफल में, जिसमें आप आ गए हैं आठवीं राशि, जो कि हमारी वृश्चिक राशि है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ उस घंटी को भी बजा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन जैसे ही आए आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिच्छू वाली राशि, जो कि है हमारी वृश्चिक राशि। पारिवारिक सुख इसके दृष्टिकोण से ये जो महीना रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि भाग्य का जो सहयोग है वो 50-50 ही की ट्रेंड जो है वो दिखा रहा है। हालांकि लास्ट के जो 15 दिन होंगे जून के, वो काफ़ी बढ़िया आपके लिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी अप एंड डाउन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं आप थकान महसूस करेंगे। थोड़ी सी फोकस की कमी जो है होती हुई दोस्तों जो है दिखाई देगी। हालांकि जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय जो रहेगा अनुकूल रहेगा, अच्छे ऑफर्स भी मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे या नौकरी में कुछ चेंजेस चाह रहे थे तो अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। जो भी परिवर्तन होंगे वो काफ़ी बढ़िया आपके लेवल पे होंगे। अगर आप चाह रहे थे कहीं बाहर जाना, कहीं ट्रांसफ़र लेना अगर आप चाह रहे थे, तो वो उस लिहाज से भी महीना जो रहेगा काफ़ी प्ले रहेगा। व्यापारियों के लिए बात करूँ तो व्यापारियों के लिए भी महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा आपको कि धन की थोड़ी सी कमी है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा धन की जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं आपकी दूर होती जाएगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी तरह के कि जोखिम वाले जो निवेश होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है। अगर आप मार्केट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, तो थोड़ा सा मिक्स बैग की फीलिंग आपको देके जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा थोड़ा रुक के लगाएं और पूरा ध्यान देकर लगाएं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह, ये जो महीना रहेगा ये काफ़ी सामान्य ही रहेगा, कुछ ज़्यादा ना हैटिक होगा ना वैसा होगा, बहुत नॉर्मलाइज लाइफ उनकी चलेगी। हालांकि लास्ट के जो 15 दिन होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, फोकस अच्छा होगा आपका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो भाग्य का साथ है वो उतना आपको इस महीने में नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो दिन अभी चल रहे हैं वो बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, मिक्स पैक की फीलिंग जो है वो आपको दे रहे हैं। 5, 6, 7, 14, 15, 22, 23 और 24 तारीख को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रख लीजिएगा अपने स्वास्थ्य का, साथ साथ अपनी वाणी का। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उग्रता इन दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों एक छोटा सा अवलोकन जो आपके लिए मैं देता हूँ हर महीने का, वृश्चिक राशि का, मैंने आज आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसी तरह मेरे साथ बने रहना। बहुत सारी नई नई वीडियोस आपको मैं बहुत जल्दी दूंगा। अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, नंबर बंद रहते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। और पर्सनल एनालिसिस आर पेड। देखने के लिए धन्यवाद।